नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वोल्टेक। दोस्तों आप सभी ने अभी तक तो न्यूज़ सपने देख ली होगी कि जो उम्र को लेकर के है, पीयूष गोयल जी ने जो डिक्लेरेशन दी है वो क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये आपने पेज तो पढ़ ही लिया होगा अच्छे से, लेकिन आपने शायद अभी तक ये ऑफिशियली जो पेज है, वेबसाइट है, यहाँ पर सरकार ने पूरी डिटेल में जो है डिक्लेरेशन किया हुआ है कि एग्जैक्टली जो संशोधन हुआ है वो कितने से कितने पे हुआ है, ये पूरी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बने रहे पूरे वीडियो में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे इस लाल बटन को जरूर दबाएँ और घंटे के बेल आइकन को दबाएँ, जिससे हम जो भी नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, यहाँ पर हम जो भी सरकारी न्यूज़ होती है, सरकारी नौकरियों से जुड़ी हुई जो भी रिक्रूटमेंट्स होती है, उसकी जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, वो प्रूफ के साथ में, 100% प्रूफ के साथ में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जानते हैं इस वेबसाइट में आखिर ऐसा क्या है जो पूरी डिटेल्स में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये साइट का लिंक मुझे मिला है इनके ट्विटर के अकाउंट से। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्वीट किया हुआ है इस पेज को, तो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने ये लिंक छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल भी इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर साथ में लिंक दिया है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ क्या है। रेल मंत्रालय ने सभी श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के जरिए ग्रुप सी के लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रुप डी में लगभग 90,000 पदों जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्स मैन, हेल्पर, गेटमैन, पोर्टर और ग्रुप सी लेवल श्रेणियों जैसे सहायक लोको पायलट, एएलपी, टेक्नीशियन, फिटर, क्रेन चालक, लोहार, बढ़ई, इन सभी के लिए यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि उपयुक्त रूप से बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर संशोधन किए गए हैं इसलिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ओडिया और अन्य जैसी श्रेणी भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, जो अदर स्टेट है जहाँ पर ये लैंग्वेज में लोग बाग हिंदी में कंफर्ट नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर स्पेशली जो लोकल लैंग्वेज है उसके लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा साइट पे। जी हाँ दोस्तों, ये तो दो बात हो गई। अब तीसरी बात की बात करें तो तीसरी बात ये है यहाँ पर, जो कि आपको पता ही है कि संशोधन हुआ है तो उम्र को लेकर संशोधन हुआ है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या है वो आपको इस साइट पे पूरी तरह से पता चल जाएगा। वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक लोको पायलट, एएलपी और टेक्नीशियन में जो है ये है जनरल कैटेगरी के, जिनों की 28 थी और उसमें संशोधन करके 2 साल बढ़ा के 30 कर दिया। ओबीसी के लिए 31 से 33 कर दिया है, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी के लिए 33 से 35 कर दिया है, ठीक है। अब ये है एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 से 35 हो गया इनके लिए भी, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर है जनरल के लिए 31 था तो यहाँ पर 33 कर दिया है, ओबीसी के लिए 34 था तो यहाँ 36 कर दिया है, एससी के लिए यहाँ पर 36 था तो 38 कर दिया है, और यहाँ पर एसटी के लिए 36 से 38 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है। रेलवे भर्ती बोर्ड इस बारे में अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही शुद्धि पत्र जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक पीडीएफ का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि उपयुक्त रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। परीक्षार्थियों को यानी कि जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, इनके बारे में भी ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। इससे पहले रेलवे मंत्रालय ने ग्रुप सी लेवल में, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, डिटेल्स भी मिल जाएगी। यहाँ दे रखा है कि पहले जो थी एज लिमिट उसके बारे में क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी नोटिफिकेशन का, ये इस साइट का लिंक मैं जो है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं इस पूरी न्यूज़ को, इस पूरी इन्फॉर्मेशन को इस साइट की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें, और दोस्तों प्लीज़ 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 आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों को इसकी इन्फॉर्मेशन दें, और प्लीज़ आज ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।